दीपा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे फ्रेंड्स। तो हमने मॉर्निंग में पूजा कर ली है भगवान की। आप हमारे भगवान जी के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में उठ के नहा धो के पूजा करने से दिन भर अच्छा जाता है और मन भी पवित्र और शांत हो जाता है। हर काम में मन लगता है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है। इसलिए घर में सुबह उठ के पूजा करनी चाहिए। धूप दीपक जला के धूप पूरे घर में घुमा देनी चाहिए। उससे क्या है, जो भी निगेटिविटी रहती है वो बाहर निकल जाती है और हमारा घर पवित्र हो जाता है। तो आप देख सकते हो, हमने भगवान जी के दीपक जला दिया, धूप बत्ती जला दी, पूरे घर में भी धूप बत्ती घुमा दी है। उसके हम वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि वीडियो बनाओ और मोबाइल को हाथ में रखो तो मैं पूजा नहीं कर पाती, इसलिए मैं ऐसे ही बाद में करती हूँ। अब मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, तो नाश्ते में आज पोहा बनाऊंगी। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, जीरा डाल दिया, जीरा चटक गए। अब मैंने प्याज और हरी मिर्ची को डाल दिया है। तो आप देख सकते हो कि हरी मिर्ची प्याज भी अच्छे से चटकने लगा है। अब मैं इसको थोड़ी देर चलाऊंगी और पोहा मिला दूंगी। एक साइड हमने चाय बना के रखी है, चाय भी हमारी साथ साथ बन के तैयार होती जा रही है और पोहा भी बन के तैयार हो। इससे क्या है, नाश्ता भी बन के तैयार हो जाएगा और पूजा भगवान की हो गई है। मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आने वाले हैं, क्योंकि उनकी नाइट ड्यूटी चल रही है, तो वो 8 बजे ड्यूटी से आ जाते हैं। उनसे आने से पहले मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। तो आपको हमारा यह टेक्निक कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताना। हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।